आज हम बनाएंगे बहुत ही पॉपुलर ऐसे पराठा की रेसिपी। ये जो पराठा है वो सूरत में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सनफ्लावर पराठा। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सनफ्लावर पराठा, तो ये जो पराठा है उसका जो फाइनल आउटपुट है वो बिल्कुल सनफ्लावर जैसा होगा, तो इसीलिए इसको सनफ्लावर पराठा बोलते हैं। और खाने में भी ये बाकी के पराठा से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसका जो स्टफिंग है उसका फ्लेवर भी बहुत ही अलग है, और इसका जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो भी एकदम अलग तरीके से होता है, और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज हम बनाएंगे सनफ्लावर पराठा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विराज नायक रेसिपीज में। सबसे पहले हम पराठा के लिए आटा लगाएंगे, तो उसके लिए हमें लेना है 2 कप मैदा। यहाँ पे आप चाहो तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो, या मैदा और गेहूं का आटा आधा आधा भी ले सकते हो। अभी मैदे में हम डाल देंगे नमक, तो नमक यहाँ पे स्वाद के अनुसार डाल देंगे। अभी हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो तेल की जगह घी भी डाल सकते हो, घी डालने से ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। अभी सब कुछ पहले अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो तेल का मोइन है वो सारे आटे में अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे तो हम बहुत ही बढ़िया पराठे बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसका आटा लगा लेंगे। ये जो आटा है वो हम हल्का सा नरम रखेंगे, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना है, लेकिन बिना सूखे आटे के उसको हम बेल सके उतना ही नरम करना है। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा मिला के आटा लगा लेंगे। ये जो आउटर लेयर है उसमें आप कोई भी फ्लेवर भी दे सकते हो, यानी कि अजवाइन डाल सकते हो, कसूरी मेथी डाल सकते हो, अचार मसाला डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसे प्लेन ही रख रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आटा लग गया है। तो अभी इस पर हम थोड़ा तेल डालेंगे और आटे को अच्छे से मसल लेंगे। अभी आटा लग गया है तो इसको हम बाजू में रखेंगे और बनाएंगे एकदम बढ़िया सी स्टफिंग। अभी स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम डालेंगे उबला हुआ आलू। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का आलू को उबाल के रखा था, तो वो डाल दिया है, और आलू को मैंने हल्के से मैश कर लिया है। अभी हम इसमें मिलाएंगे प्याज, तो यहाँ पे मैंने आधे प्याज को बारीक काट लिया था, तो वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें मिलाएंगे शिमला मिर्च, तो आधा शिमला मिर्च मिला देंगे। अभी हम इसमें मिलाएंगे गोभी, तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी ले ली थी, तो ये 2 चम्मच जितने हम डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे कटा हुआ गाजर, तो ये भी हम 2 चम्मच जितना डालेंगे। उसके बाद इसमें मिलाएंगे बीट, तो ये भी हम 2 चम्मच जितना डालेंगे। तो वेजिटेबल्स में आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी ले सकते हो, और आपको जो ज़्यादा पसंद है आप उसको ज़्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरा प्याज, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, तो 2 टेबल स्पून हरा प्याज डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे हरी मिर्च, तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को काट के रखा था। अभी हम इसमें मिलाएंगे हरा धनिया, तो ये भी हम 2 चम्मच जितना डाल देंगे। अब इसमें मिलाएंगे काली मिर्च पाउडर, तो ये हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच अदरक की पेस्ट। उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट। अभी हम इसमें मिलाएंगे हरी मिर्च की पेस्ट, तो ये हम 1/2 चम्मच डालेंगे। अब इसमें मिलाएंगे शेजवान चटनी, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, तो ये हम 1 चम्मच जितनी डालेंगे। उसके बाद इसमें मिलाएंगे गरम मसाला, तो गरम मसाला थोड़ा सा ही डालना है, 1 चुटकी, यानी कि 1/4 टीस्पून जितना। और अब इसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे, तो जो शेजवान चटनी मिलाई थी उसमें भी नमक होता है, तो यहाँ पे नमक हम उस हिसाब से डालेंगे। अभी सब कुछ अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी दिखाई है उससे आपके 3 पराठे बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। अभी हम हाथों की मदद से सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे, और जब भी आप पराठे बनाने वाले हो तभी आप ये स्टफिंग बनाइएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो वेजिटेबल्स हमने लिए हैं वो कच्चे लिए हैं और उसमें हमने सारे सीजनिंग और नमक भी डाला है, तो बहुत बार वो थोड़ा पानी छोड़ देता है। अभी हमने जो आटा गूंद के रखा था उसके हम 3 समांतर हिस्सा कर लेंगे, और उसमें से 1 हिस्से को बेल लेंगे। इसको हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। ये देखिए इसको मैंने काफ़ी मोटा रखा है। अभी हम इस पर स्टफिंग रखेंगे, तो यहाँ पे स्टफिंग भी हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि पराठे में जितना ज़्यादा स्टफिंग होता है उतना ही वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने करीबन 4 से 5 चम्मच जितना स्टफिंग रखा है। अभी जो आटा है उसको हम ऊपर की ओर लाएंगे और ऊपर से इसे सील कर देंगे, और ऊपर का जो अतिरिक्त हिस्सा है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया पेड़ा बन गया है। तो अभी हम इसको बेल लेंगे, लेकिन इसको हल्के हाथों ही बेलना है।
इसको आप चाहो तो ऐसे हाथों की मदद से भी फैला सकते हो, तो ऐसे करने से भी बहुत ही आसानी से मोटा हो जाएगा। और ये जो पराठा है उसकी साइज हम बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, उसको मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि बाद में इसको हम खोलेंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो पराठे को हमने बेल लिया है, अभी पराठे को हम सेक लेंगे। तो उसके लिए तवा पे हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे हम जैसे स्ट्रीट स्टाइल होता है यानी कि बाजार में मिलता है वैसे बनाएंगे, तो घी और तेल पहले ही डाल देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारा घी लिया है, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी लिया है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, आप चाहो तो कोई एक भी ले सकते हो लेकिन घी ज़रूर लीजिएगा, उससे ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अभी ये गर्म हो जाए उसके बाद इसके ऊपर हम पराठा रख देंगे। अभी पराठे को हम घुमाते हुए अच्छे से सेक लेंगे, तो इसे दोनों ओर अच्छे से पका लेना है। तो ऐसे ज्यादा घी और तेल में इसे पकाने से इसकी जो ऊपर की सतह है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। लेकिन अगर आपको तेल और घी थोड़ा कम लेना है तो आप जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं पराठा आखिर में घी और तेल डाल के, तो वैसा भी आप कर सकते हो। अभी पराठा एक तरफ अच्छे से हो जाए उसके बाद हम इसको पलट देंगे, तो इसको दोनों ओर पलटते पलटते हम सेक लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया ये बन गया है। तो अभी पराठे को हम प्लेट में निकाल देंगे। अभी पराठे की जो ऊपर की सतह है उसको हमें काटना है, तो एक पिज्जा कटर की मदद से या तो फिर आप कोई चाकू की मदद से भी इसको काट सकते हो, लेकिन सिर्फ ऊपर से काटना है यानी कि इसको नीचे तक नहीं काटना है। तो जैसे हम पिज्जा को काटते हैं बिल्कुल वैसे ही काटना है। अभी सारी बाजुएं जो है इसको हम खोल देंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से खुल जा रही है। ये देखिए ये दिखने में ही बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल सनफ्लावर जैसा। अभी हम इस पे डालेंगे फ्राई किया हुआ पापड़। तो यहाँ पे मैंने उड़द का पापड़ लिया था, एक पापड़ को मैंने तेल में फ्राई कर लिया था, तो वो हम इसको चूरा करके डाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया लगता है इसके साथ। और उसके बाद डालेंगे चीज। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस चीज ले रहा हूँ और उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 प्रोसेस चीज ली है, लेकिन चीज की जो मात्रा है वो आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। अब आखिर में इस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया सनफ्लावर पराठा तैयार है। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये पराठा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी में कुछ अच्छा नहीं लगता तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पराठा के साथ में आप खा सकते हो, वैसी अलग अलग चटनी की रेसिपी भी मैंने अपलोड की है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।